अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल ने फव्वारा चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। बांग्लादेश में चल रहा हिंदुओं के नरसंहार मंदिर पूजा स्थान और संपत्तियों पर हमले को रोकने के लिए भारत सरकार तुरंत भारतीय सेना बांग्लादेश भेजी जाए। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश जो पूर्ण पाकिस्तान था, उसमें हिंदुओं की जनसंख्या 30% थी। जिहादियों द्वारा निरंतर अत्याचार और उत्पीड़न के कारण लगभग 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी बनकर भारत में आ चुके थे और अब बांग्लादेश में सिर्फ 7% हिंदू जनसंख्या ही बची है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का नग्न नाच चल रहा है। दुर्गा पंडार पर हुए हमले हिंदुओं के घरों को तोड़े जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंसा का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके संबंध में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने रैली निकाली और फव्वारा चौक पर बांग्लादेश का पुतला दहन किया। जब स्वतंत्र हुआ 30% हिंदू थे, हमारे देश के हजारों सैनिकों ने जान गंवा कर 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी किया था और ऐसे बांग्लादेश का निर्माण स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। आज उस बांग्लादेश में 30% हिंदू गए, 7% हिंदू बचे हैं। 7 साल से लेकर 70 साल तक की महिलाओं के साथ व्यभिचार खुलेआम होता है, लोग लापता कर दिए जाते हैं और जहाँ जहाँ वहाँ देखो हत्याएं कर दी जाती है। कोई नौरात्र मना सकते हैं, ना घर दोस्तों मना सकते हैं, ना कोई त्यौहार मना सकते, संपत्ति लूट ली जाती है और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और सरकार जब बहुसंख्यक देश में आज हिंदुओं के साथ ये हाल हो रहा बंगाल में, जैसे जो स्थिति आज बांग्लादेश में वो स्थिति बंगाल में है, केरल में है। अगर ये स्थिति रही तो विस्फोटक रही, समान अधिकार कानून सरकार को बनाना चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और जो भी हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र वहाँ किया जा रहा है, भारतीय सेना को बांग्लादेश पहुँचा कर हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और साथ ही जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनको सख्ती से खदेड़ा जाए, नहीं तो ये स्थिति विस्फोटक होते जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं के मतों से प्रधानमंत्री बने हैं, कोई मुसलमानों के मतों से नहीं बने हैं, कट्टरपंथी के मतों से नहीं बने हैं। इसके लिए हिंदुओं की सुरक्षा करना उनका पहला दायित्व है। अगर दायित्व से हटते हैं तो दिक्कत है सरकार को। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर, शुक्रवार की रिपोर्ट।